दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपीएल के अगले मैच की, जो कि ये मैच खेलाया जाएगा कोलकाता वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बीच। और गाइस आप सभी लोग को पता होगा कि भाई ये जो दोनों टीम है ना भाई, पिछले मैच में दोनों टीम ने 250 प्लस रन का स्कोरिंग किया था, यानी 250 रन के ऊपर स्कोरिंग करते हुए दोनों टीम नजर आ रहा था। अब देखो तो अब आपको इस मैच में क्या लगता है, क्या फिर से यहां पर से कोलकाता यदि फर्स्ट डाउन बैटिंग करे तो 260-262 रन देखने को मिलेगा, या फिर यहां पर से दिल्ली कैपिटल्स टीम फिर से आपको 250-255 रन बना करके जाएगा। तो आपके माइंड में यह भी चलता होगा कि भाई आज काफी ज्यादा चांसेस है कि 250 रन का स्कोरिंग देखने को मिलेगा, लेकिन मैं आगे आपको बताऊंगा कि आपको कितना स्कोरिंग देखने को मिलेगा और साथ में कौन कौन सा बल्लेबाज इंपोर्टेंट पिक हो सकता, कौन कौन सा बल्लेबाज को अपने टीम में लेकर के चलना। जैसे अभी बात करोगे तो कोलकाता की तरफ से आपको सुनील नारायण, जो कि गाइस दुनिया सुनील नारायण को अपने टीम के लिए कैप्टन और वाइस कैप्टन बना करके चल रहा, साथ में यहां पर से फैजर मैकग्रेग के बारे में बात करोगे तो दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से, जो कि पिछले मैच में काफी तीव्र गति से रन बनाते हुए देख रहा था। अब मैं बात करूंगा ये दोनों खिलाड़ी के ऊपर कौन सा खिलाड़ी इंपोर्टेंट होगा, कौन सा खिलाड़ी को अपनी टीम में लेकर के चलना, कौन सा खिलाड़ी को अपनी टीम से ड्रॉप करना है, एक एक जानकारी मैं आपको पूरी बारीकी से देने वाला हूं। और भाई सोच लो ना, मेगा ग्रैंड लीग में टीम बना करके 1 करोड़ रुपए जीतना, तो बहुत ही आसानी तरीके से आप इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपसे बोलूंगा भाई 1 करोड़ रुपया आप लोग जीतने वाले हो। तो आपको कैसा लगेगा जिया भाई, यदि आप वीडियो को पूरा देख जाते हो और वीडियो में आपको क्लियरली पता लग जाएगा कौन सा खिलाड़ी को होना चाहिए, कौन सा खिलाड़ी को अपनी टीम से ड्रॉप करना चाहिए, जिससे आप एक बेहतरीन से बेहतरीन टीम बना करके बेआसानी तरीका से 1 करोड़ रुपया को जीत सकते हो। तो सभी भाई से उम्मीद करता हूं कि वीडियो को पूरा ही देख करके जाएंगे, और सभी लोग वीडियो को तो पूरा देखेंगे क्योंकि इसलिए वीडियो को आप भी देख रहे हो भाई, मुझे भी 1 करोड़ रुपया जीतना है तो वीडियो को पूरा देख लेंगे। देखो आईपीएल का मैच नंबर 47वां हो जाएगा, जो कि ये मुकाबला कोलकाता वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बीच 28 अप्रैल को शाम 7:30 में ईडन गार्डन कोलकाता में ये मुकाबला आपको लाइव देखने को मिलेगा। साथ में जो भाई वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले दबा के एक जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि टॉस होने के बाद मेरा फाइनल टीम जो बनता है वो टेलीग्राम चैनल पे ही बनता। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में जाओगे तो टॉप पर पिन कर दिया, जहां से आप इजिली तरीके से आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। देखो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन होने से फायदा क्या होता, फायदा मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ, रोजाना 1000 लोग भाई यहाँ पर से लाख रुपया विन करके जाता है, यानी जिस टीम से मैं खेलता हूँ, जिस टीम से मैं विन करता हूँ, सेम वही टीम यानी बने बनाया हुआ टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलता है। तो इसलिए बोले टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर देना, साथ में चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ओपन कर देना, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से आप लोग वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। अब देखो पीस रिपोर्ट के बारे में थोड़ा बारीकी से एक्सप्लेन करूंगा कि आज का पीस रिपोर्ट क्या होने वाला है, क्योंकि मुकाबला कोलकाता में खेला जा रहा, तो क्या इस वेन्यू पर 250 रन बनना इस मैच के लिए कितना ईजी हो सकता, तो पीस रिपोर्ट आप लोग पूरी बारीकी से समझना। देखो इस वेन्यू पर टोटल जो मैच खेला गया T20 का 91 मैच खेला गया, जिसमें बैटिंग फर्स्ट डाउन करने वाली टीम ने 37 मैच को विन किया और बैटिंग सेकेंड डाउन करने वाली टीम ने 52 मैच को विन किया। तो जो भी टीम सबसे पहले टॉस जीतेगा भाई, ये इस वेन्यू पर बात करोगे ना, तो इस वेन्यू पर जो भी टीम फर्स्ट डाउन बैटिंग, यानी यहाँ पर से ये देखा जाए तो बैटिंग करना वाले टीम की बात करो तो उतना मैच नहीं विन करता, जो टीम टॉस जीतेगा सबसे पहले भाई ये फैसला करेगा कि बॉलिंग किया जाए इस प्रकार के वेन्यू पर, क्योंकि पिच जो होने वाला वह चेसिंग पिच होने वाला है। अब देखो स्कोरिंग पैटर्न की बात कर ले तो 150 रन का स्कोरिंग 27 बार हुआ है, 150 और 169 के बीच में 19 बार स्कोरिंग है, 170 और 189 के बीच में भी 27 बार स्कोरिंग हुआ है, 190 के ऊपर आ जाते हैं तो 18 बार बड़े आसानी तरीके से स्कोरिंग हुआ। अब देखोगे एवरेज स्कोर तो 167 का एवरेज स्कोर है। अब देखो ये जो वेन्यू है ना, इस वेन्यू पर बात करूं तो भाई इसका ग्राउंड काफी ज्यादा छोटा ग्राउंड है, और दोनों ही टीम की तरफ से आपको यूनिक खिलाड़ी देखने को मिलेगा, जैसा कि मैं आपको बताया, जैसे यहां पर से देखोगे तो कोलकाता की तरफ से सुनील नारायण हो गया, साथ में आंद्रे रसल हो गया, वेंकटेश अय्यर जैसे आपको बहुत सारे खिलाड़ी दिखाई देंगे, तो इस वेन्यू पर उतना रन बनना आसान हो जाएगा, इजीली तरीके से रन बनते हुए दिख जाएगा, क्योंकि यहां पर से देखा जाए तो दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से भी काफी अच्छा खासा बल्लेबाज रीसेंट फॉर्म की बात करोगे तो काफी अच्छा खासा रन बनाते हुए दिख रहा। अब हाईएस्ट स्कोर 261 का बना है, लोएस्ट स्कोर की बात कर ले तो 49 का लोएस्ट स्कोरिंग। यदि इस वेन्यू पर पिछले 10 मैच में बात करोगे तो पिछले 10 मैच में पेसर्स बॉलर्स को 67 विकेट मिला,
पेसर्स बॉलर 67 विकेट निकाल करके गया, स्पिनर्स बॉलर 44 विकेट निकाल कर गया, यानी 60% जो विकेट मिलता हुआ पेसर्स बॉलर्स को, स्पिनर्स बॉलर्स की बात करोगे तो 40% जो विकेट निकाल करके जाता हुआ स्पिनर्स बॉलर्स विकेट निकाल करके जाता। अब देखो रिसेंट जो मैच खेला गया इस वेन्यू पर, इससे आप लोग को क्लियरली पता लग जाएगा कि कितना स्कोरिंग देखने को मिलेगा। अब देखो स्कोरिंग की बात करोगे ना तो ये तीन मैच में आपको 200 के ऊपर रन देखने को मिला। पिछले सेम इसी वेन्यू पर कोलकाता टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 261 रन का स्कोरिंग किया। अब देखो पंजाब किंग्स टीम ने चेस करते हुए 262 रन बनाया। भाई देखा जाए तो पिछले मैच में इजिली तरीका से देख लो भाई 18.4 गेंद में मैच को विन किया। तो पिच जो होने वाला वो चेसिंग पिच होने वाला, जो टीम यदि टॉस जीतेगा, मैं आपको क्लियरली बता दिया हूं कि जो टीम टॉस जीतेगा सबसे पहले फैसला करेगा इस वेन्यू पर बॉलिंग करने का। फिर ये मुकाबला में देखोगे तो केकेआर टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 222 रन का स्कोरिंग किया। आरसीबी टीम यहां पर 1 रन से मैच को हरा, 221 रन बनाया। फर्स्ट और सेकंड इनिंग दोनों मिलाकर के यहां पर से पेसर्स बॉलर्स को 12 विकेट मिला, स्पिनर्स बॉलर्स 3 विकेट निकाल करके गया। इस मैच में देखते हैं केकेआर और साथ में कोलकाता के बीच, पंजाब किंग्स के बीच ये मुकाबला खेला गया था जिसमें पेसर्स बॉलर्स को 4 विकेट, स्पिनर्स बॉलर्स को 2 विकेट मिला। फिर केकेआर टीम 20 ओवर में 6 विकेट पर 223 रन का स्कोरिंग किया। राजस्थान रॉयल्स टीम ने चेस करते हुए 224 रन बना लिया। फर्स्ट और सेकंड इनिंग दोनों मिलाकर के पेसर्स बॉलर्स को 8 विकेट मिला, स्पिनर्स बॉलर्स को 5 विकेट मिला। फिर लखनऊ और साथ में केकेआर के बीच मुकाबला खेला गया जिसमें लखनऊ टीम की बात कर ले तो 20 ओवर में 7 विकेट पर 161 रन का स्कोरिंग है। केकेआर टीम चेस करते हुए 162 रन बनाए क्योंकि पिच जो मैं आपको बता दूं कि पिच जो होने वाला वो चेसिंग पिच होने वाला। अब देखो ये तीन मैच में देखोगे ना तो भाई ये तीन मैच में काफी ज्यादा पेसर्स बॉलर्स विकेट निकालते हुए दिख रहा है। क्वालिटी का जो भी स्पिनर्स बॉलर्स होगा क्वालिटी का ही स्पिनर्स बॉलर्स इस वेन्यू पर विकेट निकालते हुए दिख जाएगा। अब देखो आगे मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा क्वालिटी का स्पिनर्स बॉलर्स को अपनी टीम में लेकर के चलना है। दोनों टीम के बीच अब हेड टू हेड में बात कर ले तो दोनों टीम के बीच जो मैच खेला गया 10 मैच खेला गया जिसमें 4 मैच केकेआर टीम ने विन किया तो वही 6 मैच दिल्ली कैपिटल्स टीम ने विन किया। यदि केकेआर टीम की बात कर ली पिछले 5 मैच में तो पिछले 5 मैच में 2 मैच विन किया, यहां पर देखते थे 1 मैच लॉस्ट 1 मैच लॉस्ट यानी 3 मैच लॉस्ट करते हुए आ रहा। दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो पिछले 5 मैच में 1 ही मैच आ रहा, 4 मैच कंटिन्यू यहां पर देखते तो विन करते हुए दिख रहा। आप देखो सबसे पहले देखेंगे दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से इस मैच के लिए क्या प्लेइंग 11 टीम रहने वाला। दिल्ली की तरफ से प्लेइंग 11 टीम की बात कर ले तो इस मैच में सबसे पहले आपको जैक फैजर मैकब्रुक और साथ में यहां पर से ए पोरेल, ये दोनों खिलाड़ी आपको ओपनिंग करते हुए दिख जाएंगे। फिर साई होप, ऋषभ पंत स्टॉप्स, उसके बाद यहां पर से अगला प्लेयर्स की बात कर ले तो अगला प्लेयर्स होशंगाबाद आ जाते हैं, अक्षर पटेल, फिर यहां पर से आर सलमान, कुलदीप यादव, लियाज विलियम्स, उसके बाद खलील अहमद, मुकेश कुमार जोगी, कुछ इस प्रकार से दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से ये प्लेइंग 11 टीम रहने वाला। देखते हैं कि दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से कौन कौन सा बॉलर स्टार्टिंग के ओवर में और कौन सा बॉलर डेथ के ओवर में बॉलिंग करते हुए दिखेगा। स्टार्टिंग की ओवर में बात कर ले तो स्टार्टिंग के ओवर में बॉलिंग करते हुए यहां पर से दिख जाएंगे लियाज विलियम्स, खलील अहमद और मुकेश कुमार स्टार्टिंग के ओवर में बॉलिंग करेंगे। डेथ के ओवर में यहां पर से देखते हैं तो एक बॉलर से यहां पर से जिनका नाम आता है भाई राशिक सलमान, यहां पर से सलाम, इनके अकॉर्डिंग भी मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा कि ये खिलाड़ी कितना इंपोर्टेंट पिक होंगे। साथ में खलील अहमद और मुकेश कुमार जो कि कुछ इस प्रकार से दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से बॉलर से स्टार्टिंग के ओवर में और साथ में डेथ के ओवर में बॉलिंग करते हुए दिख जाएगा। अब एक एक प्लेयर के बारे में जानते हैं कि कौन कौन सा प्लेयर्स को अपनी टीम में लेकर किस लेंगे, कौन सा प्लेयर्स को अपनी टीम से ड्रॉप करेंगे। पहला प्लेयर्स की बात कर ले तो देखो यहां पर से जैक फ्रेसर मैकब्रुक, इनके अकॉर्डिंग ऐसा तो राइट हैंड बैटिंग स्टाइल है। आईपीएल में 5 मैच में 247 रन एवरेज की बात करोगे तो 49 का एवरेज है। अब देखो हेड टू हेड में एक भी मैच नहीं, वेन्यू पर एक भी मैच नहीं खेले। रीसेंट फॉर्म की बात करोगे तो यहां पर से रीसेंट फॉर्म देख लो 84, 23, 65, 20 और साथ में यहां पर से 55 रन का स्कोरिंग करते हुए दिख रहे हैं। अब देखो ये जो बल्लेबाज है ना भाई, इनके पास पावर हिटिंग की बात करोगे तो नेक्स्ट लेवल का इनके पास पावर हिटिंग रहा था। जैसे बात करोगे सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से एक आपको बल्लेबाज ट्रेविस हेड नजर आता हुआ, वही यहां पर से देखा जा तो भाई यहां पर से देखो आंद्रे रसल, उससे भी खतरनाक ये बल्लेबाज है। अब ये जो बल्लेबाज है ना, समझ लेना कि भाई स्टार्टिंग का यदि ये 20 बॉल खेल जाते तो आप इनसे ये उम्मीद लगा करके जा सकते हो कि बड़े आसानी तरीका से 50-55 रन का स्कोरिंग करते हुए दिख जाएंगे। अब देखो ये इंपोर्टेंट पिक तो रहेंगे इस खिलाड़ी के ऊपर तो अपनी टीम में ले करके चलना, लेकिन इस मैच के लिए कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के लिए उतना कुछ खास सेफ ऑप्शन नहीं होगा। कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए क्यों नहीं खास सेफ ऑप्शन होगा मैं आपको ये बता देता हूं। सबसे पहले देख लो यहां पर 55 रन देखने को मिला तो एक मैच में फ्लॉप जा रहे हैं,
अब फिर यहाँ पर 65 रन, अब देखो यहाँ पर से एक मैच में 23 रन का स्कोरिंग है, फिर यहाँ पर से 84 रन का स्कोरिंग किया। तो रीजन फॉर्म ही कुछ इस प्रकार से चल रहा है कि एक मैच में चल रहे तो एक मैच में फ्लॉप जा रहे, एक मैच में चल रहे तो एक मैच में फ्लॉप जा रहे, कंटिन्यू इसी प्रकार का रीजन फॉर्म चल रहा। आप अपने अकॉर्डिंग से आते हो कैप्टन या वाइस कैप्टन का सिलेक्शन करना, तो आप अपनी टीम के लिए कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाकर जा सकते हो, लेकिन कब कैप्टन या वाइस कैप्टन बनाना है ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखो यदि डीसी टीम फर्स्ट डाउन बैटिंग करता है तो आप अपनी टीम के लिए कैप्टन या वाइस कैप्टन बना करके जा सकते हो। फिर मैं बात करूंगा यहां पर से अभिषेक पुरेल के बारे में, लेफ्ट हैंड बैटिंग स्टाइल आता, 12 मैच में 217 रन 21 का एवरेज, हेड टू हेड में एक मैच 0 रन, बैन पर एक भी नहीं। रीसेंट फॉर्म में बात कर ले तो 36-42-15 रन का स्कोरिंग देखने को मिला। अगले प्लेयर्स के अकॉर्डिंग आ जाए साई हो, काफी ज्यादा पावर हिटिंग ये भी करते हैं। देखो पिछले मैच में 41 रन का स्कोरिंग देखने को मिला, इधर 5-19-11-33, आईपीएल में 5 मैच में 109 रन। एवरेज की बात करते हैं तो कुछ खास एवरेज नहीं, ओनली 27 के एवरेज रन बनाते हुए देख रहे हैं। ऋषभ पंत लेफ्ट हैंड बैटिंग स्टाइल है, आईपीएल में 36 का एवरेज रहता है, हेड टू हेड में 15 मैच में 357 रन 23 का एवरेज, बैन पर 3 मैच में 95 रन 31 का एवरेज है, बैन पर भी काफी अच्छा खासा एवरेज रन बनाते हुए दिख रहे हैं। रीसेंट फॉर्म में 29-88-44-16-44 रन का स्कोरिंग करते हुए दिख रहे हैं। रीसेंट फॉर्म की बात करोगे तो कंटिन्यू रन बनाते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसे बल्लेबाज को तो हमेशा टीम में लेकर के चलना है। आप अपने अकॉर्डिंग चाहते हो कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी का सिलेक्शन करना, तो आप अपने अकॉर्डिंग कैप्टन या वाइस कैप्टन भी बना करके जा सकते हो। फिर मैं बात करूंगा यहाँ पर से स्टॉप्स के बारे में, राइट हैंड बैटिंग स्टाइल रहता, आईपीएल में 13 मैच में 300 रन बनाए, 42 का एवरेज है। एवरेज की बात करोगे तो काफी अच्छा खासा एवरेज है। हेड टू हेड में कोलकाता के सामने एक मैच खेले जिसमें 54 रन का स्कोरिंग किया, 54 का एवरेज है, काफी अच्छा खासा एवरेज रन बना रहे, बैन पर एक भी नहीं। रीसेंट फॉर्म में 48-26-10 यहाँ पर 2 विकेट और यहाँ पर 15 रन का स्कोरिंग देखने को मिला, तो टीम में पिक करके चलना इंपोर्टेंट पिक रहने वाला। फिर मैं बात करूंगा यहाँ पर से कुमार यहाँ पर से कुशाग्रा का, तो इनके अकॉर्डिंग ऐसा है राइट हैंड बैटिंग स्टाइल है, 3 मैच में 0 रन 0 के एवरेज, हेड टू हेड में एक भी नहीं, बैन पर एक भी नहीं। रीसेंट फॉर्म में 0-34-0 रन का स्कोरिंग करते हुए दिख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अब देखो अक्षर पटेल आ जाते हैं। अक्षर पटेल की बात कर ले तो स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग स्टाइल, आईपीएल में 144 मैच में 119 विकेट, हेड टू हेड में 18 मैच में 16 विकेट निकाले, बैन पर 5 मैच में 4 विकेट है। रीसेंट फॉर्म की बात कर ले तो रीसेंट फॉर्म कुछ खास नहीं चला, पिछले मैच में 0 विकेट, यहाँ पर विकेट लेस 1 विकेट और यहाँ पर 0 विकेट निकाले, बैन पर भी देखते तो उसी प्रकार से रिकॉर्ड चल रहा, 5 मैच में 4 विकेट, चांसेस हो सकता है कि 1 विकेट निकालते हुए दिख जाएंगे। फिर बात कर ले यहाँ पर से राशिक सलाम का, राइट हैंड बैटिंग स्टाइल है, 7 मैच में 9 विकेट, हेड टू हेड में 1 मैच में 0 विकेट, बैन पर एक भी नहीं। रीसेंट फॉर्म में पिछले 2 मैच से बात करते हैं कंटिन्यू 3-3 विकेट निकाले। भाई देखो ये पेसर्स बॉलर से और क्वालिटी का पेसर्स बॉलर से, तो किसी भी प्रकार का बैन हो तो इनका रीसेंट फॉर्म जिस प्रकार से चला समझ लेना कि इस मैच में भी 2 विकेट फिक्स ही रहेगा कि बड़े आसानी तरीका से निकालते हुए दिख जाएंगे। मेगा ग्रैंड लीग के टीम में हर हमेशा इस खिलाड़ी को अपनी टीम में पिक करके चलना है, चांसेस ये रहेगा कि फिर से आपको 2-3 विकेट बड़े आसानी तरीका से निकालते हुए देखे जाएंगे। फिर मैं यहाँ पर से बात करूंगा कुलदीप यादव के बारे में, लेफ्ट आर्म चाइना मैन इनका बॉलिंग स्टाइल है, क्वालिटी का स्पिनर्स बॉलर से जो कि इस प्रकार के बैन पर विकेट निकालते हुए दिख जाएंगे। लेकिन देखोगे ना भाई बैन पर 21 मैच में ये भी 21 विकेट निकाले, उतना ज्यादा विकेट नहीं निकाले, 21 मैच 21 विकेट, हेड टू हेड में 3 मैच में 10 विकेट निकाले। अब देखो कोलकाता के सामने हर हमेशा विकेट निकालते हैं, कोलकाता के सामने एवरेज विकेट की बात करोगे तो कोलकाता के सामने एक मैच खेलते हैं जिसमें 3 विकेट बड़े आसानी तरीके से निकाले करके जाते हैं, यदि 3/3 मल्टीप्लाई करोगे तो 3/3 यहां पर से देखा जाए तो 9 विकेट निकालते हैं, लेकिन 3 मैच में देखते तो 10 विकेट निकाले। मेगा ग्रैंड लीग के लिए मैं आपको सजेशन करूंगा कि वाइस कैप्टन का सिलेक्शन करना चाहते हो तो आप अपनी टीम के लिए वाइस कैप्टन बड़े आसानी तरीके से बना करके जा सकते हो, क्योंकि रीसेंट फॉर्म में देखोगे तो इधर 2 विकेट और इधर 4 विकेट, फिर यहां पर से 3 विकेट निकाले, कंटिन्यू विकेट निकाले, विकेट टेकर बॉलर से भाई हर हमेशा विकेट निकालते हैं। यदि इनके ओवर में कोई बल्लेबाज काफी ज्यादा पावर हिटिंग करता, पावर हिटिंग जनरेट नहीं कर पाते तो यह समझ लेना कि हर हमेशा विकेट फेंकते हुए इनके अगेंस्ट देखे जाएंगे, इंपोर्टेंट पिक रहेगा। और साथ में एक चीज आप ये भी जान लो कि कोई बल्लेबाज इनके बॉल पर काफी ज्यादा गुगली बॉलिंग करते हैं, लेफ्ट आर्म चाइना मैन इनका तो बॉलिंग स्टाइल है, काफी ज्यादा गुगली बॉलिंग करते हैं जिसके कारण बॉल पड़ने के बाद क्या होता है टर्न भी होगा, यदि बॉल बीट भी करता तो एलपीडब्ल्यू नहीं तो बोल्ड होने की काफी ज्यादा संभावना रहता। अब देखो कोलकाता के सामने भी इनका रिकॉर्ड रहता ठीक ठाक, तो हर हमेशा टीम में लेकर के चलना, एक मैच खेलते 3 विकेट निकालते, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि वाइस कैप्टन भी बना करके जा सकते हो। लियाज विलियम्स राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलिंग स्टाइल, आईपीएल में 1 मैच में 0 विकेट, हेड टू हेड में 1 भी नहीं, बैन पर 1 भी नहीं। रीसेंट फॉर्म में 0 विकेट,
विकेट, दो विकेट, जीरो विकेट, फिर यहां पर से जीरो विकेट निकालते हुए देख रहे हैं। अब मैं बात करने वाला हूं खलील अहमद के बारे में। खलील अहमद के अकॉर्डिंग आज तक तो लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम इनका बॉलिंग स्टाइल है। आईपीएल में 53 मैच में 70 विकेट, हेट वेट में 5 मैच में 8 विकेट, कोलकाता के सामने ये भी काफी अच्छा खासा विकेट निकाल करके जाते हैं। वैल्यू पर बात करोगे तो एक मैच 0 विकेट, रिसेंट फॉर्म में 2 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट निकाले, 2 विकेट बड़े आसानी तरीके से निकालते हुए दिख जाएंगे कोलकाता के, क्योंकि कोलकाता के सामने क्योंकि हर हमेशा विकेट निकालते थे, इसलिए बड़ी की टीम में पिक करके चलना। अब बात करूंगा मुकेश कुमार के बारे में। देखो भाई ये जो बॉलर्स है ना, स्पेशलिस्ट बात करूंगा तो डेथ का ओवर ये काफी अच्छा खासा डालते हुए देख जाते हैं, लेकिन बैन पर थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। 4 मैच में 3 विकेट निकाले, हेट वेट में 1 मैच में 1 विकेट। आप देखो आईपीएल में 17 मैच में 21 विकेट, रिसेंट फॉर्म में पिछले मैच में 3 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट निकालते हुए दिख रहे हैं। तो मैं आपको ये सजेशन करूंगा क्योंकि हेट वेट में खलील अहमद का काफी अच्छा खासा रिकॉर्ड है, कोलकाता के सामने काफी अच्छा खासा विकेट निकाले करके जाते हैं, तो खलील अहमद को आप अपने टीम में ले करके जा सकते हो मुकेश कुमार की जगह पर। आगे बढ़ते हैं। अब देखो बैंस प्लेयर में कुछ इस प्रकार से बैंस प्लेयर्स रहेगा, इसमें जो भी बदलाव होगा, जो भी चेंजेस होगा, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर इंफॉर्मेशन कर दूंगा। अब कोलकाता की तरफ से देख लेते क्या इस मैच के लिए प्लेइंग 11 टीम रहने वाला है। कोलकाता की तरफ से प्लेइंग 11 टीम की बात कर ले तो फी सेल्ट, सुनील नारायण, ये दोनों खिलाड़ी आपको ओपनिंग करते हुए दिख जाएंगे। फिर यहां पर से श्रेयस अय्यर, फिर यहां पर से रघुवंशी आ जाते हैं, आंद्रे रसल, रिंकू सिंह, वेंकटेश अय्यर, आर सिंह, फिर यहां पर से दुष्मंता समीरा, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, अनुकूल राय, जो कि कुछ इस प्रकार से कोलकाता की तरफ से ये प्लेइंग 11 टीम रहेगा। साथ में मैं आपको एक इंपैक्ट प्लेयर्स के बारे में भी बताते चलता हूं, जो कि कोलकाता की तरफ से भी मैं आपको बता रहा हूं। मैंने आपको अभी इसको पीछे बताया, दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से भी बताया, साथ में कोलकाता की तरफ से ये इंपैक्ट प्लेयर, तो देखो इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, एक एक चीज जानेंगे। अब देखते हैं कि कोलकाता की तरफ से कौन सा बॉलर स्टार्टिंग के ओवर में और कौन सा बॉलर डेथ के ओवर में बॉलिंग करते हुए दिखेगा। स्टार्टिंग की ओवर में बात कर ले तो स्टार्टिंग के ओवर में बॉलिंग करते हुए आपको दिख जाएंगे यहाँ पर से डी समीरा, हर्षित राणा, अनुकूल राय, ये तीन बॉलर से स्टार्टिंग के ओवर में बॉलिंग करेंगे। डेथ के ओवर में यहाँ पर से फिर समीरा और साथ में हर्षित राणा, आंद्रे रसल, जो कि कुछ इस प्रकार से कोलकाता के तरफ से जो भी बॉलर्स होगा वह स्टार्टिंग के ओवर में और वह डेथ के ओवर में बॉलिंग करते हुए दिखेगा। अब एक एक प्लेयर्स के बारे में जान लेते हैं कि कोलकाता की तरफ से कौन कौन सा प्लेयर्स इंपोर्टेंट पिक होगा, कौन सा प्लेयर्स को अपनी टीम में लेकर के चलना, कौन सा प्लेयर्स को अपनी टीम से ड्रॉप करना। तो मैं यहाँ पर से सबसे पहले बात करूंगा फिल सेल्ट के बारे में। इनके अकॉर्डिंग ऐसा है, राइट हैंड बैटिंग स्टाइल है, 17 मैच में 542 रन, 36 कवरेज, हेट वेट में 1 मैच में 18 रन, 18 कवरेज है, बैन पर 5 मैच में 276 रन और साथ में यहाँ पर से 69 के एवरेज से रन बनाते हुए दिख रहे हैं। रिसेंट फॉर्म में देखोगे तो 75-48-10-89-0-18 रन का स्कोरिंग है। देखो टीम में चाहते पिक करके चलना तो टीम में पिक करके चलना। अब देखो कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के लिए उतना कुछ खास सेफ ऑप्शन नहीं होगा, बहुत सारा लोगों का माइंड में चल रहा होगा कि कैप्टन या वाइस कैप्टन बना ले, तो कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाने से पहले आप हेट वेट में देख लो, एक मैच के लिए और स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं, एक मैच में ओनली 18 रन बनाए। फिर मैं बात करूंगा सुनील नारायण के बारे में, लेफ्ट हैंड बैटिंग स्टाइल, राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलिंग करते हैं। आईपीएल में देखते हैं तो आईपीएल में 18 के एवरेज से रन बना रहे, साथ में यहां पर से 173 विकेट निकाले, हेट वेट में 9 मैच में 181 रन, 20 कवरेज, 6 विकेट निकाले। अब देखो 9 मैच खेले दिल्ली कैपिटल्स के सामने, उसमें 181 रन बनाए, एक मैच खेलते तो 20 का एवरेज जाता, मतलब ऐसे आप लोग समझो कि ये दिल्ली कैपिटल्स के सामने यदि एक मैच खेलते तो एक मैच में ओनली 20 रन ही बनाते। तो यहाँ पर से मैं आपको बता रहा हूँ एवरेज क्या होता है, तो एवरेज यही होता है एक मैच खेलते तो एक मैच में रन बनाने की जो आंकड़ा होता है वह 20 रन बना करके जाते। अब देखो पूरा 9 मैच खेले, पूरा 9 मैच में देखते तो 181 रन बनाए, 20 का एवरेज है और साथ में 6 विकेट निकाले। अब ये दोनों खिलाड़ी के बारे में आपको बता दें, कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के लिए ये दोनों में से मैं आपको सजेशन करूंगा, काफी ज्यादा सेफ की बात करोगे तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि फिल सेल्ट को कैप्टन या वाइस कैप्टन चाहते हो बनाना तो बना करके जा सकते हो, लेकिन सुनील नारायण उतना कुछ खास इंपोर्टेंट पिक नहीं हुआ क्योंकि हेट वेट में काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, दिल्ली कैपिटल्स के सामने कुछ खास रन नहीं बना रहे। बैन ऊपर देखोगे तो बैन ऊपर 57 मैच में 544 रन, 19 का एवरेज, 69 विकेट निकाले, रिसेंट फॉर्म में 71 रन, 1 विकेट, फिर यहां पर से देखते हैं 2 विकेट, 109 रन, 2 विकेट, 1 विकेट, 85 रन, 1 विकेट निकालते हुए दिख रहे हैं। बाकी जो आपको लगे आप अपने अकॉर्डिंग भी बना करके जा सकते हैं, क्योंकि मैं आपको एक एक चीज पूरी बारीकी से बता रहा हूँ कि हेट वेट में क्या रिकॉर्ड है, बैन ऊपर क्या रिकॉर्ड है, रिसेंट फॉर्म क्या चल रहा है, आईपीएल में कैसा परफॉर्मेंस करते हुए दिख रहे हैं, तो उसमें आपकी सारी जानकारी देते चलता हूं। तो आप लोग वीडियो देखकर के खुद से आप लोग एक बेहतरीन से बेहतरीन टीम बना सकते हो और खुद से भी आपको पता लग जाएगा कि भाई कैप्टन किसे बनाना और वाइस कैप्टन किसे बनाना। श्रेयस अय्यर के अकॉर्डिंग ऐसा है, बैटिंग स्टाइल इनका राइट हैंड बैटिंग स्टाइल है,
आईपीएल में 32 का एवरेज, हेड टू हेड में दो मैच में 50 रन, ओनली 25 का एवरेज है। अब देखो डीसी के सामने ये भी स्ट्रगल कर रहे हैं, बैन पर 13 मैच में 371 रन, 30 का एवरेज, रिसेंट फॉर्म में 28, 50, 11, 38, 34, फिर यहाँ पर से 18 रन का स्कोरिंग देखने को मिला। रिसेंट फॉर्म की बात करो तो कुछ खास रिसेंट फॉर्म देखने को नहीं मिला, पिछले 5 मैच में श्रेयस अय्यर जैसे बल्लेबाज एक ही मैच में 50 प्लस रन का स्कोरिंग किए। फिर यहाँ पर से बात करेंगे रघुवंशी के बारे में, इनका बैटिंग स्टाइल लेफ्ट हैंड बैटिंग स्टाइल है, 6 मैच में 118 रन, 23 का एवरेज, हेट वेट में 1 मैच में 54 रन बनाए। अब देखा जाए तो दिल्ली कैपिटल्स के सामने काफी अच्छा खासा एवरेज से रन बना रहे, बैन ऊपर देखोगे ना तो बैन ऊपर 3 मैच में 40 रन, 13 का एवरेज है, बैन ऊपर स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं, रिसेंट फॉर्म में 3, 30, 7 और 7 में यहाँ पर से 24 रन का स्कोरिंग करते हुए दिख रहे हैं। अगले प्लेयर्स की बात कर ले तो अगले प्लेयर्स आ जाते हैं आंद्रे रसल, बैटिंग स्टाइल राइट हैंड बैटिंग स्टाइल है, राइट आर्म फास्ट बॉलिंग करते हैं, आईपीएल में 106 मैच में देखते हैं तो 2441 रन, 30 का एवरेज है, 105 विकेट है, हेट वेट में 8 मैच में 268 रन, 44 का एवरेज, 6 विकेट निकाले। हेट वेट में देखा जाए तो भाई दिल्ली कैपिटल्स के सामने काफी अच्छा खासा रन बना रहे क्योंकि 44 का एवरेज है, 7 में 6 विकेट भी निकाले। अब देखो इस मैच के लिए सजेशन करूंगा आंद्रे रसल को ऊपर चाहते हो कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी बनाना तो कैप्टन या वाइस कैप्टन बना करके जा सकते हो क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स के सामने हर हमेशा रन बनाते हुए देखे जाते हैं। अब देखो बैन ऊपर 9 मैच में 912 रन, 35 का एवरेज, 37 विकेट, रिसेंट फॉर्म में 24, 27, 3 विकेट, 13, 1 विकेट, 41, 1 विकेट, 2 विकेट निकालते हुए दिख रहे हैं। फिर मैं बात करूंगा यहां पर से रिंकू सिंह के बारे में, लेफ्ट हैंड इनका बैटिंग स्टाइल है, आईपीएल में 36 मैच में 837 रन, 33 का एवरेज, हेट वेट में 3 मैच में 55 रन, 18 का एवरेज है, बैन पर देखते हैं तो बैन पर 15 मैच में 832 रन, 42 का एवरेज रहता है, रिसेंट फॉर्म में 5, 24, 20 फिर यहाँ पर से 9 रन का स्कोरिंग करते हुए देख रहे हैं। थोड़ा बहुत देखा जाए तो रिंकू सिंह तो बल्लेबाज काफी अच्छा खासा, बैन पर भी काफी अच्छा खासा बैटिंग करते हुए देख जाते हैं लेकिन बैटिंग का मौका थोड़ा बहुत इनको काफी ज्यादा नीचे मिला। फिर मैं बात करूंगा वेंकटेश अय्यर के बारे में, इनके अकॉर्डिंग ऐसा तो लेफ्ट हैंड बैटिंग स्टाइल, राइट हैंड मीडियम बॉलिंग करते हैं, आईपीएल में 44 मैच में 1000 देखते हैं, 84 रन, 27 का एवरेज है, हेट वेट में 6 मैच में 98 रन, ओनली 19 का एवरेज है। अब देखा जाए तो डीसी के सामने ये भी स्ट्रगल कर रहे हैं, ओनली 19 का एवरेज है, बैन ऊपर देखोगे तो 18 का एवरेज है, 11 मैच में 206 रन, रिसेंट फॉर्म में 39, 16, 8, 3 रन का स्कोरिंग करते हुए दिख रहे हैं। फिर मैं बात करूंगा रमनदीप सिंह के बारे में, इनके अकॉर्डिंग ऐसा है तो राइट हैंड बैटिंग स्टाइल है, आईपीएल में 10 मैच में 126 रन, 25 का एवरेज, हेट वेट में 2 मैच में 15 रन, 15 का एवरेज, बैन पर 6 मैच में 97 रन, 32 का एवरेज रहता है, रिसेंट फॉर्म में 6, 24, 1 फिर यहाँ पर से 13 रन का स्कोरिंग करते हुए देख रहे हैं। बात कर ले अगले प्लेयर्स के बारे में तो अगले प्लेयर्स आ जाते हैं चमेरा, राइट आर्म फास्ट बॉलिंग स्टाइल, 13 मैच में 9 विकेट, हेट वेट में 1 मैच में 1 विकेट, बैन पर 2 मैच में विकेट लेस गए, 1 भी विकेट इनको बैन पर मिला नहीं, रिसेंट फॉर्म में पिछले मैच में भी विकेट लेस 2 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट निकालते हुए दिख रहे हैं। फिर मैं बात करूंगा यहाँ पर से वरुण चक्रवर्ती के बारे में, एलबी लीग ब्रिक बॉलिंग स्टाइल है, इस बैन के लिए इंपोर्टेंट पिक रहेंगे, इस बैन पर ये खिलाड़ी को भी आप अपनी टीम में लेकर के चलना। जैसे क्वालिटी की स्पिनर्स बॉलर्स की बात करोगे तो दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से मैंने आपको कुलदीप यादव के बारे में बताया तो सेम उसी प्रकार से कोलकाता की तरफ से वरुण चक्रवर्ती क्वालिटी का स्पिनर्स बॉलर से इस मैच में आपको हर हमेशा विकेट निकालते हुए दिखेंगे क्योंकि हेट वेट में कुलदीप यादव का भी तगड़ा रिकॉर्ड था, 3 मैच में 10 विकेट, अब देख लो यहां पर से वरुण चक्रवर्ती का तो 8 मैच में 14 विकेट ये भी निकाले, बैन पर देखते तो 13 मैच में 16 विकेट निकाले, रिसेंट फॉर्म में विकेट लेस इधर है, 1 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट और 0 विकेट निकालते हुए दिख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अब मैं यहां पर से अगले प्लेयर्स के बारे में बात करूंगा, अब देखते तो अगले प्लेयर्स हर्षित राणा, राइट आर्म फास्ट बॉलिंग स्टाइल है, आईपीएल में 15 मैच में 15 विकेट, हेट वेट में 1 मैच में 1 विकेट, बैन पर 9 मैच में 11 विकेट, रिसेंट फॉर्म में 0 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, पेसर्स बॉलर्स में देखा जाए तो काफी अच्छा खासा ये रिसेंट फॉर्म चल रहा है तो टीम में पिक करके चलना, इनको डैंड बॉलर्स रहने वाला। फिर मैं बात करूंगा अनुकूल वायर के बारे में, स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग स्टाइल, आईपीएल में 9 मैच में 5 विकेट, हेट वेट में 1 मैच में 2 विकेट निकाले, बैन पर बात कर ले तो 6 मैच में 0 विकेट, बैन पर 1 भी विकेट नहीं मिला, रिसेंट फॉर्म में पिछले 4 मैच में विकेट लेस जा रहे हैं, इंपैक्ट के रूप में इनको यूज करता है कोलकाता टीम तो भाई उतना कोई चांसेस भी नहीं रहेगा, बाकी चांसेस भी मिल सकता है, पिछले 2-3 मैच से अनुकूल वाई को चांसेस मिल रहा है। अब देखो बेंच प्लेयर में यहाँ पर से मनीष पांडे, फिर रदरफोर्ड, उसके बाद वैभव अरोड़ा, जो कि कुछ इस प्रकार से कोलकाता की तरफ से ये बेंच प्लेयर्स रहेगा। अब देख लेते हैं अपनी टीम के लिए की प्लेयर्स कौन कौन सा हो सकता है, की प्लेयर्स की बात करोगे तो इस मैच के लिए ऋषभ पंत, जैक फैजल, मैक ग्रुक, अक्षर पटेल, फिलसेल, आंद्रे रसल, श्रेयस अय्यर, सुनील नारायण की प्लेयर्स रहने वाला है।
कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी क्या सेफ ऑप्शन में आ जाते हैं, तो सुनील नारायण, ऋषभ पंत और साथ में आंद्रे रसल को कैप्टन या वाइस कैप्टन बना करके जा सकते हो। ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स की बात कर ले तो ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स में हर्षित राणा, साई होप, अनुकूल लॉय इस मैच के लिए ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स रहने वाला। आगे बढ़ते हैं, अब देखो यहाँ पर से अब देखते हैं प्लेयर्स बैटल। प्लेयर्स बैटल में आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि कौन सा बल्लेबाज कौन सा बॉलर्स के सामने विकेट फेंक करके जाता। तो प्लेयर्स बैटल में कोलकाता की तरफ से देखते हैं सबसे पहले फील सेल का, तो देखते हैं यहाँ पर से रिचर्डसन के सामने 13 बॉल 24 रन 3 बार विकेट, नौरकिया के सामने 3 बॉल 2 रन 1 बार विकेट। श्रेयस अय्यर की बात कर ले तो कुलदीप यादव के सामने 15 बॉल 20 रन 2 बार विकेट, खलील अहमद के सामने 18 बॉल 24 रन 2 बार विकेट, अक्षर पटेल के सामने 25 बॉल और साथ में 38 रन 2 बार विकेट फेंके। अब देखो कुलदीप यादव और खलील अहमद के सामने 2 बार विकेट फेंके, तो यही दोनों बॉलर्स के सामने हो सकता है, तो श्रेयस अय्यर आपको 3rd बार भी विकेट फेंकते हुए दिख जाएंगे। अब देखते हैं वेंकटेश अय्यर का, तो ललित यादव के सामने 2 बॉल 1 रन 1 बार विकेट, खलील अहमद के सामने 3 बॉल 5 रन 1 बार विकेट, नौरकिया के सामने 14 बॉल फिर यहाँ पर से 14 रन 1 बार विकेट फेंके। आंद्रे रसल की बात कर ले तो नौरकिया के सामने 27 बॉल 32 रन 2 बार विकेट, आज यहाँ पर से देखते हैं ईशान शर्मा के सामने तो 8 बॉल 11 रन 1 बार विकेट, कुलदीप यादव के सामने 10 बॉल 4 रन और साथ में यहाँ पर से 1 बार विकेट फेंकते हुए देख रहे हैं। अब यहाँ पर से प्लेयर्स बैटल में देख लेते हैं दिल्ली कैपिटल्स के तरफ से सबसे पहले साई होप का, तो सुनील नारायण के सामने 40 बॉल 30 रन 1 बार विकेट, रसल के सामने 8 बॉल 13 रन 0 बार विकेट, जैक फेसर मैग्रू की बात कर ले तो रसल के सामने 2 बॉल 4 रन और साथ में 1 बार विकेट फेंकते हुए दिख रहे हैं। फिर बात करें यहाँ पर से स्टॉप्स का, तो वरुण चक्रवर्ती के सामने 14 बॉल 26 रन 1 बार विकेट, सुनील नारायण के सामने 9 बॉल 17 रन 0 बार विकेट है। ऋषभ पंत की बात कर ले तो आंद्रे रसल के सामने 10 बॉल 29 रन 2 बार विकेट, वरुण चक्रवर्ती के सामने 26 बॉल 27 रन 2 बार विकेट, फिर यहाँ पर से सुनील नारायण के सामने 44 बॉल 40 रन और साथ में 1 बार विकेट फेंकते हुए देख रहे हैं। आप देख लेते हैं कि मैं अपनी टीम में कौन कौन सा खिलाड़ी को लेकर के चला। विकेट कीपर से बात करोगे तो ऋषभ पंत, फिल सेल को मैं अपनी टीम में ले आऊं। बैटिंग में आ जाते हैं तो स्टॉप्स श्रेयस अय्यर और साथ में जैक फेजर मैं ग्रुप को पिक किया हूं, और लॉन्डर्स में आंद्रे रसल, सुनील नारायण, अक्षर पटेल, बॉलिंग में कुलदीप यादव, खलील अहमद, मुकेश कुमार को लिया हूं। कैप्टन की बात करें तो मैं अपनी टीम के लिए कैप्टन सुनील नारायण को कैप्टन और वाइस कैप्टन ऋषभ पंत को वाइस कैप्टन बना करके चला हूं। वैसे मैं आपको बताया कि आप अपनी टीम में चाहते हो तो कैप्टन आंद्रे रसल को भी बना करके जा सकते हो। फिल सेल को मैं आपको सजेशन किया था कि सुनील नारायण की जगह पर फिल सेल को पिक करके जा सकते हो। देखो सुनील नारायण को कैप्टन अभी बनाया, लेकिन टॉस होने के बाद में यहाँ पर से कैप्टन चेंज करने की काफी ज्यादा संभावना रहेगा, तो ये फाइनल टीम नहीं, टॉस होने के बाद ये जो टीम होगा इसमें जो भी मैं बदलाव करूंगा, जो भी मैं चेंज करूंगा, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर ही देखने को मिलेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग भी एक टीम बनाओ या 20 टीम बनाओ, क्योंकि मैं आपको एक एक प्लेयर्स के बारे में बता दें कौन सा प्लेयर इंपोर्टेंट पिक होगा, कौन सा प्लेयर्स को अपनी टीम में लेकर चलना, कौन सा प्लेयर्स को अपनी टीम से ड्रॉप करना, सारी जानकारी मैं आपको दे दिया हूं। बाकी मैं इसमें जो भी बदलाव करूंगा, जो भी मैं चेंज करूंगा, फाइनल अपडेट टेलीग्राम चैनल पर ही देखने को मिलेगा। तो भाई आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।